ये देखो भाई, इस टायर की कंडीशन क्या हो रखी है। ये चेक कर रहे हो पूरा मतलब, ये चेक करो गाइस, कट चेक करो इसका। वो सामने गाड़ी आ रही है, फिर भी जो पहली किरण होती है ना, इतना मजा आता देखने का। बट हमें जो आ रहा था वो पड़ी हुई 8 बजे के बाद उठने की। कट है हाँ जी, हाँ जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शैली मोटर व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? होप गाइस सब आप ठीक होंगे। तो गाइस आज अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, मैं निकल चुका हूँ चंडीगढ़ के लिए एक सोलो राइड पे। तो वहाँ पे अभी देखते हैं चंडीगढ़ में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। पहले मैं एक बार घूमा था पर इतना नहीं, सिर्फ झील पर गया था। और अभी देखें, एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या देखने को है। और बाइक की शायद मैं सर्विस भी करवाऊँ, क्योंकि बाइक हमारी अभी इतनी मिस कर रही है। और 2 बार तो इसने मतलब कि पटाखे मार चुकी है हमारी बाइक 2 बार चंडीगढ़ में, वैसे इस चीज़ का चलाना है। तो गाइस अभी चेक करते जाके वहाँ प्रॉब्लम इसको क्या हो रही है। ये देखो गाइस, टायर की कंडीशन क्या हो रखी है, मतलब हवा बिल्कुल नहीं है टायर में, बहुत कम हवा है इसमें। तो अभी हम जाके देखते हैं, अगर कोई दुकान वगैरह खुली होगी तो वहाँ से शॉप से हवा वगैरह भरवा के इसमें तो सीधा निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। और वहाँ से मैं इसका टायर भी चेंज करवाने वाला हूँ, वो इसके बाद आपको वो वाली वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये चेक आउट करो, सुबह का सूरज निकलता हुआ, सूरज की जो पहली किरण होती है ना, इतना मज़ा आता देखने का। बट हमें जो आ रहा था वो पड़ी हुई 8 बजे के बाद उठने की। कोशिश कर रहा हूँ कि अभी सुबह जिम शुरू करूँ, कि जिम जाने के बाद सुबह उठना भी पड़ेगा और जिम भी चले जाऊँगा और जो शरीर की फिटनेस है वो भी वापस आ जाएगी। क्योंकि अभी हम अप्रैल महीने में जाने वाले हैं लद्दाख ट्रिप पे, तो वहाँ पे फिटनेस हमें हमारी जो बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस फाइनली हमें एक शॉप मिली है, हवा अभी देखते हैं यहाँ पे, और बंदा है ही नहीं है यहाँ कोई भी। खाट है हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ बेची जाता जी। तो अभी हमने टायर वगैरह चेक करवा के हवा वगैरह इसमें भरवा ली है। और अभी जो बाइक राइड करने का मज़ा आ रहा है ना, मतलब वो अभी आया मुझे। पहले तो इतनी भारी चल रही थी बाइक कि क्या बताऊँ आपको, पूरा मज़ा आ रहा है बाइक राइड करने का। तो धन्यवाद इस भाई के लिए जिसने सुबह सुबह अपनी शॉप खोली हुई है। भाई यार चाय की तलब लगी है और हमारा जो ढाबा जहाँ पर रुकना वो आ नहीं रहा। तो चाय पीनी बहुत ज़रूरी है, सुबह सुबह मैंने चाय भी नहीं पी, कुछ नहीं खाया। ये लोग, ये आ ही गया हमारा ढाबा। वैसे जब भी हम चंडीगढ़ जाते हैं तो इस ढाबे पे रुकना तो हमारा कंपलसरी है, चाहे जो मर्जी हो यहाँ पे रुकना ही रुकना। क्योंकि यहाँ पे जो चाय मिलती है ना, एक नंबर चाय मिलती है, एक नंबर आपको यहाँ पर चाय मिल जाएगी, शक्कर वाली, चीनी वाली, जो मर्जी आप जो आपको पसंद हो वो वाली चाय ले सकते हो। अगर आप डाइट पे हो तो गुड़ वाली चाय, शक्कर वाली चाय भी आप ले सकते हो। तो गाइस अपनी मस्ती चाय आ चुकी है, ये देख सकते हो आप। और क्वांटिटी देखो गाइस चाय की, जो कितनी मस्त है, और गिलास कितना मस्त है चाय का। एक हमने सैंडविच लिया और अभी चाय पीते हैं और निकलते हैं सीधा अपनी राइड पे। गाइस ये चेक करो, जो वोल्वो वाला है क्या भगा रहा है बस को, ये जो ओवरटेक मारते ना, मतलब देखने का मेरे को बचपन से बड़ा मज़ा आता है। मेरे को शुरू से बड़ा शौक था कि मैं ये एक बार चलाऊँ, पर इंडिया में तो मैं चलाना, ये देखो क्या कर रहा है ये, इंडिया में तो मैं चला नहीं पाया। फॉरन बाहर मैंने चलाई थी एक बार, वो भी वोल्वो बस नहीं थी, वो ट्रक था। तो इसका तो बस मेरा जो शौक था वो शौक ही रह गया, ड्रीम ही रह गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा चेकआउट करना चाहिएगा भी ये ओवरटेक कैसे करेगा। जो कटिंग करते हैं ना ये बाइक की तरह, ओह मज़ा आया था देखने का। ट्रक वाला इसको साइड नहीं दे रहा, और ट्रक भी इलीगल बॉडी लगाई उसने, ट्रक वाले ने अपने ट्रक में। वो जो कितनी बाहर है, ये चेक कर रहे हो पूरा मतलब, ये चेक करो गाइस, कट चेक करो इसका। वो सामने गाड़ी आ रही है फिर भी ओवरटेक करेगा ही करेगा। और पिकअप देखो गाड़ी की, आप पिकअप चेक किया आपने बस की? मतलब 100 पे वो पहुंच भी गया इतनी जल्दी, जैसे आप किसी कार को भगाते हो ना वैसे ये भागती है भाई पूरे मजे से। बहुत पिकअप है भाई, बहुत पिकअप है। ये वोल्वो है
लोग सबको वोल्वो ही बोलते हैं, जो मर्सिडीज की आती है उसे भी लोग वोल्वो बोलते हैं, बट मर्सिडीज से ज़्यादा बेटर ये वाली बस है जिसके पीछे वोल्वो लिखा भी है और ये है भी वोल्वो। ये देखो गाइस कैसे भगा रहा बस को, वाह मजा आ गया गाइस देखने का। बस हम जैसे वो ऐसी ही चीज़ें रास्ते में मिलती जाए ना तो पता नहीं चलता रास्ता जो है वो कब कवर हो गया हमारा। अब इसने अपना जो बस का मोशन बना लिया ना, अब ये ब्रेक रुकने वाला नहीं है, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये ब्रेक पे पैर रखे, बहुत रेयर चांस है, ये ब्रेक पे पैर रखते ही नहीं है बिल्कुल भी। ये चेक करना गाइस अभी वो आगे ट्रॉली जा रही है ट्रैक्टर, वहाँ से ओवरटेक करेगा, ब्रेक नहीं मारेगा। ये देखो ट्रक को भी ओवरटेक किया, ट्रक भी साइड से निकला, बाइक भी निकल रहे हैं, पर इसने ब्रेक नहीं लगानी जो मर्जी हो जाए, स्पीड है 85, 90, 100 बस यही चल रहा है। अभी हम इसे ओवरटेक करेंगे और तो इसे कोई कर नहीं सकता। बस इस रोड का एक ही नियम है, इस रोड का नहीं किसी भी फोर लाइन रोड का एक ही नियम है कि आपके जो मिरर्स हैं बाइक के वो होने चाहिए, क्योंकि इस रोड पे जो भी गाड़ी होगी वो हाई स्पीड पे होगी। इस टाइम अपनी भी स्पीड आप चेक कर सकते हो 100+ है, तो ये मतलब मिरर बहुत ज़रूरी है ताकि आप पीछे देख सको ओवरटेक करने से पहले, या कोई आपको आपने लेन चेंज करनी है तो आपको इंडिकेटर्स और मिरर से ये देखने के लिए कि आप पीछे से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही, तो प्लीज़ गाइस ये मिरर ज़रूर लगा के चलना। लोकल चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हाईवे पे जाते हो ना तो ये मिरर ज़रूर लगा लेना अपनी बाइक पे। ये चेक करो गाइस, मतलब 120-125 आराम से बाइक चले जाती है, और कोई रोड पे ऐसी ट्रैफिक नहीं है कि आपको बाइक मतलब बार बार धीरे करनी पड़े। हाँ बस ये जो लोकल लोग यहाँ पे चलते हैं ना, बस ये दिक्कत क्रिएट करते हैं, बाकी जो हाईवे पे लोग बाहर से आ रहे हैं वो कोई दिक्कत कुछ भी नहीं करेगा, एकदम नॉर्मल गाड़ी चलाएगा जैसे चल रही है। ये जो लोकल लोग होते हैं ना, ये बाइक से कभी इधर मुड़ेंगे कभी इधर निकल आएंगे, कोई देखेंगे नहीं किसी तरफ भी। बस इनसे थोड़ा सा बच के चलना भाई। तो गाइस अभी हम चंडीगढ़ एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे लाइट पे ना मॉर्निंग टाइम पे भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे कि क्या बताऊँ आपको। ये देखो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ये चेक आउट करो गाइस बाइक, इंटरसेप्टर GT 650 भाई ने जो स्टॉक एग्जॉस्ट वो लगा रखे हैं इसलिए साउंड इतनी आ नहीं रही, पर क्या मक्खन की तरह चला रहा भाई बाइक को। यहाँ पे ओवर स्पीड का भी चलान हो सकता है मेरा, मुझे पता नहीं है, कैमरे तो वैसे लगे हुए हैं हर जगह पे पर स्पीड वाला कैमरा कहाँ पे ये नहीं मुझे पता। गाइस वीडियो जो नेक्स्ट आने वाली है वो मैं इसके अंदर जो टायर इंस्टॉल कर रहा हूँ वो ब्रो टायर इंस्टॉल करूँगा 200 नंबर का, जो हमारे जो टेनर बाइक है उसमें आएगा, कावासाकी टेनर में या BMW में 200 नंबर टायर आता है, तो वही वाला टायर मैं इसमें डलवाने वाला हूँ। और आपको मैं मार्केट भी दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको सस्ता टायर और अच्छा टायर मिल जाएगा, मतलब टायर होगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 पैसे घिसा हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं, पर मस्त टायर होगा एकदम। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये देखो एक्सीडेंट हो गया हुआ है एक, तो ट्रक के साथ ये आगे से पूरा बच गया हुआ है, और ट्रक के साथ पूरा आगे से टकराने की वजह से वो पूरा मतलब ऑटो घूम गया हुआ है पूरा का पूरा। कह रहे हैं कि ड्राइवर शायद बचा नहीं है इसका, जो ऑटो वाले का
यहाँ पे तो स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, स्लो होती है, पता नहीं क्यों ये आपस में इनका एक्सीडेंट हुआ कैसे है। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ वरुण के पास उसके फ्लैट पे, तो अभी थोड़ी देर बाद जा रहे हैं हम टायर वगैरह चेंज करवाने, थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह कर लेते हैं, टायर चेंज करवाने चले जाऊँगा। वो वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।